हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट डायरी एंट्री। डायरी एंट्री क्या है और हम इसे क्यों लिखते हैं, इसका क्या फॉर्मेट, क्या इसके गाइडलाइंस हैं, आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द पर्पस ऑफ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री का पर्पस क्या है? डायरी इज अ काइंड ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इट रिकॉर्ड्स एन इंडिविजुअल्स अकाउंट ऑफ अ डे ऑफ हिज हर लाइफ। ये एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होता है, ये सिर्फ हमें अपने बारे में लिखना होता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं इसमें हम। और ये इसमें इंडिविजुअल्स अकाउंट्स मतलब अपना खुद का अकाउंट जो रिकॉर्ड होता है वो हम अपनी लाइफ का इसमें रिकॉर्ड करते हैं। फॉर्मेट क्या होता है इसका? टॉप लेफ्ट मतलब राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे हम सबसे पहले इसमें डेट, फिर डे और फिर टाइम लिखते हैं तीनों। फिर एक लाइन छोड़कर लिखते हैं इसमें टेंस जो यूज़ होता है, टेंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर का कोई सा भी टेंस यूज हो सकता है, सिंपल पास्ट यूज़ होता है और प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन एप्लीकेशन, और फर्स्ट पर्सन से ही लिखा जाता है क्योंकि हम इसमें अपने बारे में लिख रहे होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, तो या तो ये आई से स्टार्ट होती है या वी से स्टार्ट होती है। ये फॉर्मेट है डायरी एंट्री का। सबसे पहले हम ऊपर डेट लिखेंगे, उसके नीचे डेट डे लिखेंगे और फिर टाइम। इसमें डेट जो लिखी जाती है बेटा वो पूरी लिखी जाती है, ऐसे नहीं जैसे आज 14th है तो 14th May 20 ऐसे लिख दें, पूरी लिखी जाएगी 14th May 2020। ऐसी डे मान लो थर्सडे है तो पूरा नेम थर्सडे पूरा नेम लिखा जाएगा डे का। और फिर टाइम जो भी है, वैसे मोस्टली रात में लिखी जाती है डायरी, जो हमारे साथ दिन में हैपन हुआ होता है वो हम रात में रिकॉर्ड करते हैं। सैल्यूटेशन मतलब सैल्यूटेशन किससे करते हैं हम? डियर डायरी, डायरी एज अवर फ्रेंड, डायरी हमारी फ्रेंड की तरह होती है। जैसे हम अपनी फ्रेंड से सारी बात शेयर कर लेते हैं इसी तरह से हम इससे शेयर करते हैं। और सबसे नीचे क्या आता है? सिग्नेचर या नेम ऑफ द राइटर। नेम ऑफ द राइटर तो आता ही आता है, सिग्नेचर हमारी मर्जी है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ डायरी, इसकी गाइडलाइंस क्या हैं? डायरी राइटिंग की गाइडलाइंस क्या होती हैं इसमें? अ डायरी इज जनरली रिटन एट नाइट। मैंने जैसे आपको बताया मोस्टली ये नाइट में लिखते हैं। दिस वे द डेज हैपनिंग्स कैन बी रिकॉर्डेड। इससे क्या होगा कि हमारे साथ दिन में जो भी हैपन हुआ है, जो भी घटना हुई है हमारे साथ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हमें खुशी हुई, हमें दुख हुआ, जो भी हुआ वो हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। द लैंग्वेज एंड टोन इज जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल। इसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो जनरली इनफॉर्मल होती है, हमारे साथ कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हमें ऐसे ही स्टार्ट करना है या हमें यही लिखना है, ये इनफॉर्मल होता है। पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी यूज, इसमें मोस्टली पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं। अ डायरी एंट्री कैन इंक्लूड योर पर्सनल सीक्रेट्स, जॉयस, सोरोज एंड फियर। डायरी एंट्री में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? हमारे सीक्रेट्स जो हम किसी को नहीं बता सकते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो हम डायरी में कर सकते हैं। हमारी जॉय मतलब खुशियाँ, सोरो हमें किसी बात से बहुत हर्ट हुए हैं, किसी ने हमसे कुछ कह दिया हमें उसको, और लेकिन वो बात हम किसी को बता भी नहीं सकते और हमें उस बात को सोच सोच के बहुत दुख भी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उस बात को हम डायरी में लिख के अपना मन हल्का कर लेते हैं, ठीक है। और फियर, यदि हमें किसी से डर लगता है तो हम उस बात को डायरी में लिख सकते हैं। यू शुड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू रीड योर डायरी। हमें अपनी डायरी हर किसी को नहीं पढ़ानी चाहिए क्योंकि उसमें हमारी अपने पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं। एज इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ योर पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस, क्योंकि उसमें हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग्स और हमारे इमोशंस होते हैं जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो सीक्रेट्स होते हैं। नाउ यू विल सी अ एग्जाम्पल ऑफ डायरी एंट्री। योर समर हॉलीडेज आर गोइंग टू बिगिन, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर प्लान्स फॉर द हॉलीडेज। अब ये आपके लिए एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके समर हॉलीडेज स्टार्ट होने वाले हैं, आप कोई प्लान बनाते हैं हॉलीडेज़ के लिए, तो आपने क्या प्लान बनाए हैं हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए वो इसमें हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिख बताई थी? डेट, हमने डेट डाली 14th May 2020। डे क्या आया? थर्सडे, थर्सडे डाल दिया। टाइम,
9:30 PM। ठीक है, डियर डायरी, सबसे पहले सैल्यूटेशन, डेट आ गया, डे आ गया, टाइम आ गया, उसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं, ये स्पेस छूटा हुआ है ना, तो एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन देंगे, डियर डायरी, टुडे माई समर हॉलीडेज हैव बिगन, आज मेरी समर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं, आई हैव सम प्लान्स फॉर समर वेकेशन, मेरे पास समर वेकेशन स्पेंड करने के कुछ प्लान हैं, आई एम प्लानिंग टू गो टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फॉर बोटिंग इन अ लेक। क्या प्लान बनाया है मैंने, कहीं जंगल में जाके जहाँ वाइल्ड लाइफ हों, कोई एनिमल्स वगैरह हों वो देखने का, जहाँ पर एनिमल रहते हैं इस टाइप की जगह देखने का, एंड बोटिंग, एक लेक में बोटिंग करने के लिए। आई जस्ट नॉट वॉन्ट टू स्पेंड अ सिंगल मोमेंट आइडली एंड डेफिनेटली वॉन्ट टू एंजॉय एवरी बिट ऑफ दीज हॉलीडेज। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा एक भी सिंगल मोमेंट भी आइडली, मतलब लेजी में, आलस में ऐसी बैठ के स्पेंड हो। मैं डेफिनेटली ये चाहती हूँ कि मेरा एक एक क्षण हॉलीडेज़ का एन्जॉय में जाए, मैं खूब एन्जॉय करूँ एक एक मिनट अपने हॉलीडेज़ का। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आई डिड नॉट प्लान माई वैकेशंस, मैंने अपनी वैकेशन की कोई प्लानिंग नहीं की थी, बट दिस ईयर, लेकिन इस साल आई विल डू एवरीथिंग टू मेक देम इंटरेस्टिंग, लेकिन इस साल मैंने अपनी हॉलीडेज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी है। आई नाउ नीड टू गो, अब क्या है, अब मुझे जाने की आवश्यकता, आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडेज़, और मैं अपनी हॉलीडेज़ की तरफ बहुत ईगरली उत्साह से देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि अब मुझे एन्जॉय करना है। नीचे नेम आ जाता है, पूजा या जो भी आपका नेम है वो आप नेम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड, ओके, थैंक यू।